بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لبأس لكم وأنتم لباس لهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلت المرأة خمسها وسامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شئت رواه أحمد محترم ناظرين दर्स का मौजू बहुत ही अहम है कि बीवी पर शौहर के क्या हकूक़ हैं महतरम नाजरीन हम दुनिया के माशरों का जायजा लें तो दीगर अखलाकी गिरावटों के साथ साथ औरत की कमजोर और बदतर हैसियत एक वाज तस्वीर की सूरत में आंखों के सामने आ जाती है सबका अदवार में भी और मौजूदा दौर में भी औरत लोगों के लिए तफरी तो नजर आती है लेकिन इज्जत का बायस नहीं औरत की तहकीर और तोहेन अक्सर कौमों में मामूल की बात थी शायद अब भी हो इस्लाम एक वाहिद दीन है जिसने औरत का एहतराम किया कदर की निगाहों से देखा उसके वक़ार और मर्तबे को बुलंद किया और उसे पाकिजा जिंदगी और तकद्दस के जेवर से आरास्ता किया मेहतर नाजरीन तो जब इस्लाम ने एक औरत के मकाम को बढ़ाया उसे इज्जत दी कदर की निगाहों से देखा औरत को रब्बुल आलमीन ने वो मकाम अता किया जो कि जमाने जाहिलियत में औरतों को वो मकाम नहीं था लेकिन मोहम्मद वसल्लम की बहसत के बाद आप पर जब शरीयत का नजूल हुआ तो उस वक्त अल्लाह आलमीन ने कुरान करीम की आयत करीमा के जरिए से अल्लाह आलमीन ने उनके मकामे को तमाम लोगों के सामने वाजह किया शोहर और बीवी अगर अल्लाह रब्बुल केक्म के मुताबिक के अपनी अजदवाजी जिंदगी को गुजारते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही में उन्हें सुकून और इत्मीनान हासिल नहीं होगा बल्कि आखरत में भी ये लोग अल्लाह रब्लम के यहाँ नजात का जरिया होंगे बीवी पर शौहर के क्या हैं? चंद हकूक में आपके सामने पेश करता हूं सबसे पहली चीज ये कि बीवी को चाहिए कि शोहर की खिदमत करे मारूफ तरीके से हजरत हुसैन अंसारी रजी अल्लाह तु बयान फरमाते हैं कि उनकी फूफी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल की खिदमत में हाजिर हुई फलमा फरगत मिन

बहुत ज्यादा करती हूँ अच्छे अंदाज में करती हूँ इल्ला मा आजस्तवान हूँ सिवाय उसके कि मैं आजिज आ जाऊं थक जाऊं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन्जुरी आइना अंति मिन्हु तुम इस मामले में गौर करो देखो कि तुम अपने शोहर की खिदमत किस अंदाज में करती हो क्यों फइन्नहु जन्नत जन्नतु की वनार की इसलिए कि शोहर तुम्हारे शोहर तुम्हारे लिए जन्नत भी है और दोसक भी है यानी कि अगर एक बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है उनके साथ अच्छा मामला करती है तो वो जन्नत में जाएगी और अगर शोहर की खिदमत नहीं करती है ना फरमानी करती है तो इसके बायस वो जहन्नम में जाएगी मोहतरम नाजरीन अल्लाह के नबी वसल्लम के दौर में उन सहाबियात के ताल्लु से आप देखें कि किस कदर वो अपने शोहरों की फरमा बरदार थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम की एक प्यारी बेटी जिन्हें सैदाई जन्ना कहा गया है कि जन्नत में वो औरतों की सरदार होगी उनका मामला ये है कि वो बयान करती है कि मैं काम कर करके थक जाया करती थी चक्की पीसते पीसते हमारे हाथ में सूजन आ जाते थे छाले पड़ जाया करते थे एक दिन मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और मैंने सोचा कि लाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहूँ कि मुझे कुछ गुलाम या नौकर दे दे ताकि वो मेरा काम कर दिया करे आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई फजा करत लिया आयशा तो आयशा रजी अल्लाह से हजरत फातिमा ने सारी बातें कही जब अल्लाह के नबी नबीम ने कलम आए फजा तो आयशा रजी अल्लाह ने अल्लाह के नबी वसल्लम से सारी बातें बताई तो अल्लाह के नबी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तहा के घर आते हैं जबकि वो अपने बिस्तर पर जा चुके होते हैं फिर अल्लाह के नबी वसल्लम कहते हैं अला अला मिम्मा। क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज की तरफ रहनुमाई ना कर दूं दूं या मैं तुम्हें वो भलाई का काम ना बतला जिस चीज के बारे में तुमने मुझसे सवाल किया था फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अरबाउन की जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ सोने से पहले तैतीस मरतबा बहन

इस दुनिया की कोई भी खातिन उनका मुकाबला नहीं कर सकती है गरचे वो खानदान के एतबार से पैसे और रुपए के एतबार से बड़े घराने के एतबार से किसी भी एतबार से ख्वाह वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो लेकिन हजरत फातिमा रजियाल्ला का मुकाबला नहीं कर सकती है हजरत फातिमा रजी अल्लाह जिंदगी को आप देखें कि अपने शोहर की खिदमत कर रही हैं, अपने घर में परेशान हैं और इसी तरीके से घर के काम और काज में इतना मशगूल रहती हैं कि थक जाती हैं और इसी तरीके से परेशान हो जाया करती हैं। यही नहीं बल्कि हजरत असमा रजी अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियाल्ला की बेटी है उनका मामला ये हुआ कि जब उनकी शादी जुबैर बिना रजी अल्लाह तु से हुई उस वक्त उनका मामला ये था कि उनके जमीन इनके पास ना ही कोई जमीन थी और इसी तरीके से ना ही कोई जायदाद था और कुछ भी उनके पास नहीं था सिवाय एक घोड़े और ऊंट के घोड़े को चारा डालती है इसी तरीके से ऊंट के पर बैठ कर के पानी लाद लाद कर जाती है और इसी तरीके से खेतों में जाकर के वहां जाकर के लकड़ियां चुन चुन कर लाती है और फिर घर का काम काज कर रही हैं इतनी तकलीफें इतनी मशक्कत उठा रही हैं, शौहर की खदमत कर रही हैं, लेकिन मकाम और मरतबा इनका कितना बड़ा है की सबसे बेहतर खवातीन, खवातीन सहाबियात हैं अल्लाह है के नबी वसल्लम की बेटी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तुम की बेटी उनके बेटियों का हाल ये है कि वो शोहर की खिदमत इस तरीके से अंजाम दे रही हैं और घर के कामों काज के अंदर कोई सुस्ती और कोई काहली नहीं बल्कि उस उसको मुनजम तरीके से चला रही हैं मोहतरम नाजरीन तो हमारी खुतिन के लिए जरूरी है कि वो सहाबियात की सीरत को पढ़ें और देखें कि किस तरीके से वो अपने शोहर की खदमत क्या करती थी मोहतरम नाजरीन इसी तरीके से दूसरा हक बीवी पर जो शोहर के हैं वो ये कि शोहर की फरमाबरदारी बरदारी करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इदा सल्लतिल मरातु खमसा कि जब औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़े वसामत शाह और वो रमजान मुबारक के रोजे रखती है वह हसनत फर जहा और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करती है वह अतात और अपने शोहर की खिदमत करती है एतात करती है फरमा करती है दखलत मिन दल अब जन्नति शीती तो उस औरत से कहा जाएगा कि तू जन्नत के जिस दरवाजे से चाह दाखिल हो जा एक शोहर की फर्मा बरदार बीवी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहेगा क्योंकि वो नमाज की भी पाबंद है रमजान मुबारक के रोजे भी रखती है और इसी तरीके से अपने शोहर की खिदमत भी करती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से यह हुक्म होगा कि इस औरत से कहो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए मेहतरम नाजरीन मैं आपको बताऊं कि जन्नत अगर हम जन्नत के बारे में सोचना चाहें गौर करना चाहें तो वो सीधे हमारे दिमाग के अंदर नहीं आ सकती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जन्नत के बारे में कहा कि माला आय रात जिसको किसी आंखों ने देखा नहीं होगा वला उजन सत किसी कानों ने सुना नहीं होगा वाला खतरा अला कल भी बशर और जन्नत ऐसी जन्नत है जिसको किसी दिल ने महसूस भी नहीं किया होगा दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया होगा उस जन्नत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी नबीसम फरमा रहे हैं कि अगर एक औरत नमाज की पाबंदी रोजे की पाबंदी के साथ साथ अगर अपने शोहर की फरमा बरदारी करती है तो अल्लाह रब्बुलमीन के हकम से वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि किसी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अयुन नसाए खैर कि औरतों में से कौन सी औरत सबसे बेहतर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल्लती तसुरहु इजा नज़ारा कि वो औरत सबसे बेहतर है कि जब उसका शौहर उसे देखे तो अपने शौहर को खुश कर दे वतुतिअरुहू इजा अमरा जब उसका शौहर उसे कोई हुक्म दे तो उस हुक्म के फौरन बजा लाए वला तो खालिफु रहू उसके माल में और इसी तरीके से नफ्स में कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसका शोहर ना पसंद करता हो तो ऐसी औरत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तमाम औरतों में से सबसे बेहतर औरत है मोहतरम नागरीन आप जरा उस हदीस पर गौर करें उस खातून के मकाम मरतबे को देखें और इसी तरीके से अबू तलहा रजी अल्लाह तहु का वाकया बहुत ही मशहूर है कि उनके बेटे का जब इंतकाल हो जाता है और फिर वो जब घर में आते हैं तो उनकी बीवी क्या करती हैं सजती हैं सवरती हैं और इसी तरीके से अपने शोहर को खाना पेश करती हैं यहां तक कि मामला ऐसा होता है कि वो अपने शोहर के साथ खलवत में भी जाती है और रात गुजारती है इस तरीके से जब उनके शोहर पूछते हैं कि बेटे का क्या हाल है तो कह देती हैं कि पहले से बेहतर है बाद में उन्हें मालूम यह हुआ कि उस बच्चे का इंतकाल हो गया है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्मज्जुब से पूछते हैं कि क्या तुमने आज अपनी बीवी से हम बिस्तरी की है वो कहते हैं कि हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उन्हें दुआ देते हैं मोहतरम हाजरीन इस हदीस पर गौर करें कि एक वो औरत जो कितनी सबरदार गेटे सबर का कर रही है कि बेटे का इंतकाल हो गया है लेकिन शोहर के सामने इस अंदाज में पेश आ रही है शोहर के सामने बंद सवर कर बैठ रही है ताकि शोहर जो काम घर दिन भर थके हुए आए हुए हैं कहीं ऐसा ना हो कि फौरन उन्हें इस वाकई का इल्म हो जाए तो फौर उन्हें इसी तरीके से तकलीफ और परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाए सब्र का मुजाहरा करते हुए अपने शोहर को यह खबर नहीं देती है मोहतरम हाजरीन इसी तरीके से एक बात का और ख्याल रखें कि अगर शौहर अपनी बीवी को कोई ऐसा हुक्म दे जिसमें अल्लाह रबालमीन की नाफरमानी हो रही हो तो गरचे वो शोहर है उसका मकामो मरतबा कितना ही बड़ा क्यों ना हो लेकिन जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी हो रही है अगर शोहर बीवी से कहे तुम शिर करो तो वहां पर बीवी शोहर की बात को नहीं मानेगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया सही बुखारी की रवायत है फिल्म कि जिस मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी हो रही है तो उसमें किसी की भी एता जायज और दुरुस्त नहीं है तो सिर्फ जायज कामों में है इसी तरीके से बीवी पर शोहर के हकूक ये हैं कि बीवी शोहर की इजाजत के बगैर नफली रोजा ना रखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि किसी औरत के लिए हलाल नहीं है कि वो नफली रोजा रखे जबकि उसका शोहर मौजूद हो नफली रोजे से मुराद सोमवार और जुमेरात का रोजा या हर अरबी महीने तेरह चौदह पंद्रह का रोजा जब तक शोहर इजाजत ना दे, बीवी को उसकी इजाजत के बगैर रोजा नहीं रख सकती है ये शोहर की इजाजत पर मौकूफ़ होगा लेकिन अगर रमजान मुबारक का रोजा आ जाए शोहर मना करे कि तुम रोजा मत रखो तो वहां पर शोहर की एता वो नहीं करेगी रमज़ान मुबारक का रोज़ा फर्ज़ है और का रोज़ा रखेगी लेकिन नफली रोजे के ताल्लुक से जब उसका शोहर उसे इजाजत दे तो वो चाहिए कि रोजे से रखे इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं जरा इस हदीस पर आप गौर करें कितनी सख्त वईद कि अगर एक बीवी अपने शोहर की नाफरमानी कर रही है उसकी अतात नहीं कर रही है शोहर परेशान है तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी बयान फरमाते हैं इस्ना नेला तजाविज सलातहुमा रुऊसाहुमा عبدن ابقا من مواليه कि दो दो शख्स ऐसे हैं दो किस्म के लोग ऐसे हैं कि जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज नहीं कबूल होती एक वो शख्स एक वो गुलाम जो अपने मालिक की इजाजत के बगैर कहीं भाग जाए तो अगर वो नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी जब तक कि वो अपने मालिक के पास वापस ना आ जाए इसी तरीके से वो औरत जो अपने शोहर की नाफरमानी कर रही है तो अगर वो नमाज की पाबंदी करेगी तो शोहर चूंकि उसका उससे नाराज है इसलिए अल्लाह आलमीन उसकी इबादत को पसंद नहीं करता जरूरी यह है कि वो शौहर की एतात फरमाबरदारी करे फिर इबादत का, का काम करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इबादत को कबूल करेगा इसी तरीके से बीवी के लिए जरूरी है कि शोहर के माल और उसके जायदाद की हिफाजत करें शोहर चूंकि दिन भर मेहनत करता है मेहनत और मजदूरी करके पैसे कमा कर लाता है घर में रखता है तो बीवी को चाहिए कि उस शोहर के पैसे को इसी तरीके से उसके घर में जो चीजें हैं उसके सामान घर का राशन वगैरह जो भी हो

सवाल किया गया कि अल्लाह के, के नबी वसल्लम खाने का क्या मामला है खाना भी नहीं दे सकती है अल्लाह के अल्लाहनबी सल्लम ने कहा जका अफजल कि खाना तो ये हमारे मालों में से बेहतरीन माल है यानी खाना तो सबसे बेहतरीन चीज है उसके बगैर तो आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता है तो औरत अगर किसी को खाना भी दे तो उसे चाहिए कि शोहर की इजाजत ले ले इसी तरीके से बीवी के लिए जरूरी है कि शोहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में आने ना दे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया वला ताज़ना फी बैतिही इल्ला बीइज़नी कि बीवी शौहर के इजाजत के बगैर वो किसी को घरों में आने ना दे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजतुन विदा के मौके पर भी इसकी नसीहत फरमा रहे हैं तमाम औरतों को मुखातब करके कला इना लकुम अला नसाएकुम हक व लिनसाएकुम खबरदार तुम्हारा शोहरों का बीवियों पर हक है बीवियों का शोहर पर हक है और बीवी का हक ये है उसके शोहर के ताल्लुक से कि उसके अदम मौजूदगी में वो किसी ऐसे आदमी को अपने घर में ना आने दे या अपने बिस्तर पर किसी ऐसे आदमी को ना आने दे जिससे उसका शोहर ना पसंद करता हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतुलवि के मौके पर ख़ास तौर से हजतुल के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहम अहम बातें तमाम लोगों को समझाई उनमें से एक अहम बात ये भी थी कि बीवी को चाहिए कि शोहर के इजाजत के बग़ैर किसी को घर में ना आने दे महतरम नाजरीन इसी तरीके से बीवी को चाहिए कि वो शौहर की शुक्रगुजारी करे अल्लाह के नबी वम ने बयान फरमाते हैं बुखारी की रवायत है कि उरी तो नार फायदा अक्सर अहलिहा अन कि मुझे जन, जहन्नम दिखलाई गई तो मैं जब जहन्नम को देखा तो मुझे अक्सर वहां पर औरतें ही नजर आई कहा गया यकफुर ये नाफरमानी करने वाली औरत है ना शुक्री करने वाली औरत है तो कहा गया अक्फुरना बिल्ला क्या अल्लाह रबुल आलिम की नाशुकरी करने वाली कहा गया यकफुरशीर वो शोहरों की नाफरमानी करती हैं शोहरों की नाफरमानी करती हैं और इसी तरीके से उनकी नाफरमानी करने की वजह से ये जहनम के अंदर ज्यादा से ज्यादा हैं अल्लाह है के नबी ने बयान फरमाया लाला दहर सुन मारा तम इनका शयन कॉलत मार आई तुम इनका खैरन कत्तू कि अगर शौहर किसी औरत का जिंदगी भर उसके साथ एहसान का मामला करें हमेशा उसकी ख्वाहिश को पूरी करते रहे लेकिन किसी दिन ऐसा आ जाए कि उस शोहर से थोड़ी सी कोताही और गलती हो जाए सुस्ती के सबक बीवी के उस बात को ना पूरा कर सके तो बीवी क्या कहती है कि मा राय तुम इनका खैरन कत्तू कि जब से इस घर में मैं आई हूँ तब से मैं कोई भलाई देखी नहीं तुमने तो कभी मेरे साथ अच्छा मामला ही नहीं किया इस तरीके से एक औरत के जबान से वो कलमात अदा हो जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि शोहर की फरमानी करने की वजह से औरतें जहन्नम में थी मुझे दिखाया गया तो बीवी के लिए जरूरी है कि वो शोहर की शुक्रगुजारी करे ना शुक्री ना करे इसी तरीके से अल्लाह के वसल्लम ने बयान फरमाया शौहर के मकाम मरतबे को बयान करते हुए कि का इतना बड़ा मर्तबा है कि ला कि इस दुनिया के अंदर किसी इंसान के लिए सजदा करना जायज नहीं है अगर इस दुनिया के अंदर किसी बशर को सजदा करना जायज होता तो बीवी को दिया जाता कि वो अपने शोहर को सजदा करे लेकिन इस दुनिया के अंदर किसी अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं है लेकिन इससे यह बात मालूम हुआ कि शोहर का इतना बड़ा मकामबा यानी शोहर का इतना बड़ा मकाव मरतबा है कि अगर अल्लाह रब्बुल हुक्म देता सजदे का तो बीवी को हुक्म देता शोहर को करने के लिए इसे शोहर के मकवा मरतबे की और उसकी फजीलत मालूम होती है कि बीवी को चाहिए कि उसकी शुक्रगुजारी करे और इसी तरीके से उसकी नाफरमानी ना करे और उसकी खदमत करते रहे अब उसे खुदी रज बयान फरमाते हैं कि एक शख्स अपने बेटी को लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इस बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने बाप की कहा मानो अपने बाप की मानो और तुम शादी कर लो उसने कहा कि मैं उस वक्त तक शादी नहीं करूंगी जब तक मुझे ये ना बतला दिया जाए कि मा हक्कुज़ौज अला ज़ौजतिही कि शौहर का बीवी कहाक उसके शोहर के ताल्लुक से क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर शोहर के जिस्म से पीप बह रहा हो, कोई जख्म बह रहा हो अगर बीवी अपनी जबान से उस जख्म को चाटे तो भी उस शोहर के कई एहसान का बदला नहीं चुका सकती है तो उस, उस बेटी ने कहा कि मामला ऐसा है तो मैं कभी मैं शादी करूंगी नहीं जब तक मैं अपने आप को इस तरीके से तैयार ना कर लूं कि शोहर की खिदमत कर सकूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ला इल्ला कि तुम उनकी बीवियों की मतलब लड़कियों की इजाजत के बगैर तुम उनकी शादी ना करो मोहतरम नाजरीन तो शोहर पर बीवी के क्या हुकूक बीवी पर शोहर के क्या हुकूक ये आपके सामने चंद बातें आपके सामने

ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الدين النصيحة كيف الدين خير فاهي